एक दिन ऐसा आया था जिस दिन लगभग 125 के करीब लोगों की मौत हुई थी। अब डेली 60-65 के आसपास हो रही है, इसे और भी कम करना है, लेकिन अब लगभग 60-65, लगभग आधी के करीब, जो पीक आई थी उससे आधी के करीब हो गई है। हमने टेस्ट की संख्या बहुत बढ़ाई है, अब टेस्ट की कोई कमी नहीं है। ले इसमें भी एक अच्छा संकेत यह है कि पहले 100 लोगों का टेस्ट करते थे तो उसमें लगभग 31 लोग कोरोना के मरीज पाए जाते थे। आज जब हम 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो उसमें केवल 13 कोरोना के मरीज मिलते हैं। ये सारी चीजें अच्छी हैं, ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि स्थिति अब काफी कंट्रोल में आ गई है। स्थिति उतनी भयानक नजर नहीं आ रही जितनी एक महीना पहले थी। ये हम सब लोगों की मेहनत का नतीजा है, सब लोगों के मिले जुले प्रयास का नतीजा है। लेकिन इससे खुश होके हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, अब हमें खुला नहीं कर देना सब कुछ। ये वायरस ऐसा है जिसका ये नहीं पता कि ये कल क्या करेगा, परसों क्या करेगा, किसी को कुछ नहीं पता। हो सकता है कि कल फिर से बढ़ जाएं केसेस। तो हम सरकार अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से, हम पूरी कोशिश जारी रखेंगे। जो हमारी 24 घंटे मेहनत चल रही है उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे, वो जारी रहेगी और डबल मेहनत करेंगे ताकि अगर आने वाले समय में केसेस बढ़ते हैं तो उससे हम मुकाबला कर सकें। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कुछ एक्सपर्ट्स ने लिखना चालू किया है कि दिल्ली का पीक आके जा चुका है और दिल्ली में अब केसेस नीचे जाएंगे। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, कृपया अभी इन एक्सपर्ट्स की तरफ ध्यान मत दीजिए। मास्क पहनते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहिए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए, धोते रहिए, इसमें जरा भी चूक नहीं करनी है। बड़ी मुश्किल से हम लोग एक महीना पहले जो स्थिति थी उस स्थिति से हम सब लोगों ने प्रयास करके बाहर निकले हैं। अब अपने को किसी भी हालत में वैसी स्थिति नहीं आने देनी, चौकन्ना रहना है, अपनी मेहनत को कम नहीं होने देना और ये जो अपना शानदार टीम वर्क था इसको जारी रखना है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हम अच्छे की उम्मीद करेंगे लेकिन तैयारी हम सबसे खतरनाक सिचुएशन की करके रखेंगे।